हमारी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाली भारतीय सेना आज 69वां सेना दिवस मना रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर सेना के पराक्रम को सलाम किया, तो वहीं सेना प्रमुख बिपिन रावत ने इशारों ही इशारों में एलओसी पर पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने की चेतावनी भी दी है। सेना दिवस के मौके पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद परेड की सलामी को लेकर बिपिन रावत ने जवानों की विधवाओं को सेना मेडल और दूसरे पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस दौरान सेना ने जंग का एक नमूना पेश कर अपने कौशल और रणनीति का प्रदर्शन किया, जिसमें ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें, जैविक और रासायनिक हथियारों से निपटने वाला CBRN वाहन और T-90 टैंक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। सेना को संबोधित करते हुए बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि LOC पर नापाक हरकत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही जवानों द्वारा वीडियो जारी करने पर उन्होंने कहा कि इससे वीर जवानों का मनोबल गिरता है। सेना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सेना के त्याग और बलिदान पर हमें गर्व है। सेना 125 करोड़ भारतीय लोगों के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलती है। आपको बता दें कि सेना दिवस मनाने की परंपरा भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा के सम्मान में 1949 से शुरू की गई थी। इससे पहले ब्रिटिश मूल के फ्रांसिस बूचर बतौर सेना प्रमुख थे। तब से हर साल सेना के सभी कमांड हेडक्वार्टर और देश की राजधानी दिल्ली में आर्मी परेड और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर साल सेना दिवस पर आयोजित परेड और हथियारों के प्रदर्शन से सेना का उद्देश्य दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराना और देश के युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना होता है। देखते रहिए DB Live।